ओए होए क्या फ्रेश फीलिंग्स आ रही है यार। सुबह सुबह उठ के तैयार होने का और फर्स्ट वर्किंग डे। और मज़े की बात यह है कि भाई मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। बारिश, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। और यस, मैं आपको डेफिनेटली बाहर का व्यू दिखाऊंगी यार। सुबह सुबह तैयार की हुई हूँ, तैयार इसलिए हुई हूँ कि ऑफिस जाना है। और बुरी बात यह है कि 9 बजे पहुंचना था और इस वक्त 8:30 हो रही है। 45 मिनट्स की ड्राइव है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से पहुँचूँ। कि तो चलिए मैं करवाती हूँ इन ड्राइव और मैं फिर आपको रास्ते का कुछ व्यू दिखाऊंगी। आज का मेरा ये प्लान है कि पूरे डे का मैंने करना है व्लॉग शूट। चलो बच्चे, शाम हो गई है, मैंने सोचा कि क्यों ना ऑफिस जाते हुए वापसी पे अपनी कर ली जाए कुछ ग्रॉसरी। सो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पंजाब कैश एंड कैरी। पंजाब कैश एंड कैरी नाम तो सुना है। और खैर अब मैं यहाँ पे देख लूँगी यार किस साइड पे है, क्योंकि ये इस साइड पे ना मेरा फर्स्ट विजिट है पंजाब कैश एंड कैरी का। लेकिन खैर ना मुझे सज्जे मिल रहा था ना कब्बे मिल रहा था। खैर फिर पूछने पे पता चला किस तरफ है। खैर अब ये है पंजाब कैश एंड कैरी, यार अच्छा बना हुआ है। और मज़े की बात यह है कि इस तरफ अगर आप देखें तो देखें क्या देखें, यस नाश्ते की कुछ चीज़ें हैं। यार समझ नहीं आ रहा, मेरा माइक ख़राब हो गया और इस वजह से ना बस वॉइस ओवर करने में बड़ा प्रॉब्लम है। खैर इस रैक में था सारा स्किन केयर प्रोडक्ट पड़ा हुआ था और दूसरी साइड पे भी। और मैं मुझे चाहिए था सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक जो था वो आसानी से मिल जाए ऐसी मेरी चीज़ें थे, ऐसा हो नहीं सकता। खैर मुझे सन ब्लॉक तो वहाँ से नहीं मिला, फिर मैंने सोचा कि तो खैर जहाँ से जो भी मुझे लेना था वो खैर मैंने ले लिया। और यहाँ पे भी खैर मिट्स और सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी और खैर पड़ी हुई क्या थी, खैर मुझे भी कुछ भी नहीं चाहिए था। खैर दूसरी तरफ अगर आया जाए तो यहाँ पे था कुछ मच्छरों के मारने की जो है तदबीर करी कुछ चीज़ें थी। और खैर मुझे चाहिए था डालडा, और डालडा खैर मैंने यहाँ से देखा क्योंकि मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वही आपको मेरी व्लॉग में भी मिलेंगी। डालडा के भी रेट्स इंक्रीज़ हुए हुए हैं एज यू नो। और कुछ जो है यहाँ पे भी जो है दालें वगैरह थी, और दालों का जो है रेट्स अगर कंपेयर किया जाए तो जो बाकी है मार्ट्स वगैरह वहाँ से बहुत मुनासिब में आपको मिल जाएगी। फिर मोहम्मद के लिए मुझे लेना था कैचअप, और कैचअप को मैंने यहाँ से किया पिक। और कुछ यहाँ पे मेयोनीज़ वगैरह इस रैक में थी, मतलब सारी चीज़ें और मेयोनीज़ कैचअप और सॉस वगैरह थे। और यहाँ पे दूसरी समारोह और मच्छर ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। मच्छरों को मारने के लिए ज़रूर कुछ लो और ख़ुद भी सो सकून से और बच्चों को भी सुकून से रहने। तो खैर मैं यहाँ पर गई थी वेजिटेबल की तरफ, और यहाँ पे बहुत फ्रेश आप देख सकती हैं कि जैसे मिल रहे थे और रीज़नेबल थे, सीरियसली बहुत रीज़नेबल रेट था। और मुझे चाहिए थे सैलड के लिए, मैंने यहाँ से कीड़ा पिक किया, और कैरेट्स वगैरह लेमन ये चीज़ें, और गैस गोभी के रेट्स देखे, बैंगन के 65 95 कुछ इसी तरह से थी वहाँ पर रेट्स, लेकिन बहुत रीज़नेबल थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आप देख सकते हैं फ्रेश थी और फ्रेश हो और आप ख़रीदें ना। खैर मैंने यहाँ से कुछ जो है पोटैटोस वगैरह लिए क्योंकि उसके बगैर तो ग्रोसरी कम्प्लीट नहीं, क्योंकि मोहम्मद को प्राइस हर हाल में चाहिए होते हैं डेली बेसिस पर। खैर तो यहाँ से ग्रॉसरी की मैंने, और बस ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी से होगी ठीक है। जहाँ तक मैं ट्राई कर सकती थी यार, मीटिंग से इतनी बिजी थी और मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ जो है ना मैं वहाँ पे कर सकूँ, लेकिन ये कि यस ऑफिस का तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकी ना। मीटिंग्स के लिए जाते भी कुछ मैं शूट कर पाई हूँ यस, लेकिन ये कि इवनिंग में जो मैं कुछ एक्टिविटीज़ थी उसको मैंने शूट किया। और आई होप प्लीज़ यार लाइक कर दो और डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि कल का डे आज से भी अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।